T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में अपनी जगह बना ली है। यूएसए की हार से पाकिस्तान के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा है। हालांकि बाबर सेना को आखिरी मैच जीतने के साथ अमेरिका के अगले मैच के हारने की भी दुआ करनी होगी। 14 जून यानी कि आज यूएसए आयरलैंड से भिड़ेगा। इंडिया के अलावा ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, ग्रुप डी में दक्षिण अफ्रीका और ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में अब पाकिस्तान को सुपर 8 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। दरअसल सुपर 8 में पहुंचना अभी भी खुद पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, उसे अभी दूसरी टीम्स के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड रहना होगा। भारत भले ही अमेरिका को हराकर पाकिस्तान की मदद कर चुका है, लेकिन अभी उन्हें एक बार और इंडिया से मदद लेनी होगी। पाकिस्तान चाहेगा कि कनाडा के खिलाफ मैच में भारत अच्छे अंतर से जीते। इससे होगा ये कि पाकिस्तान के रास्ते से कनाडा नाम का रोड़ा हट जाएगा। 16 जून को पाकिस्तान का मैच आयरलैंड के साथ है। अगर पाकिस्तान की टीम को अगले दौर में पहुंचना है तो उसे आयरलैंड को हराना होगा। अगर आज यानी कि 14 जून के मैच में आयरलैंड की टीम यूएसए को हरा देती है तो पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। एक तरफ बाबर की सेना को दूसरी टीमों की हार की दुआ करनी पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रदर्शन को लेकर लोग खूब आलोचना कर रहे हैं। फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटर्स तक सारे एक तरफ होकर अपनी क्रिकेट टीम को सुना रहे हैं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने भी बाबर और बाबर की सेना को खूब सुनाते हुए कहा कि ये तो बुजदिली है, ऐसी कमज़ोर टीम के साथ कैसे पाकिस्तान जीतेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम के कोच गैरी कस्टर्न पर सवाल उठ रहे हैं कि वो ऐसी ढीली ढाली टीम में कैसे सुधार ला पाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी काफी गुस्से में है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की माने तो अगर टीम अगले राउंड में पहुंच भी जाती है या बेहतर प्रदर्शन भी करती है तो भी कुछ खिलाड़ियों पर एक्शन होना तय है, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, फकर जमान और आजम खान सिलेक्शन कमेटी की रडार पर है। अब ये एक्शन कैसा होगा, क्या होगा, ये तो वर्ल्ड कप के बाद ही पता चलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूँ हिमानी श्रोत्री। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए नेशन मिरर।